दोस्तों हम इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं उन कलाकारों को लेकर जो बचपन में ही सपना देख लेते हैं अभिनेता या अभिनेत्री बनने का। यहाँ हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिकम चाइल्ड एक्टर, आप बचपन से ही किस तरह से अभिनय की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वह इस प्रकार हैं। चाइल्ड एक्टर कौन होते हैं, चाइल्ड एक्टर कैसे बने, चाइल्ड एक्टर बनने के लिए क्या करना होगा, ऑडिशन प्रोसेस, टेलीविजन और फिल्म में अभिनय करने के लिए, ऑडिशन देने के बाद क्या होता है, ऑडिशन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है चाइल्ड एक्टर कौन होते हैं। चाइल्ड एक्टर वो होते हैं जो 18 वर्ष से कम उम्र में टेलीविजन और फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। आपने कई धारावाहिक और फिल्मों में बच्चों को एक्टिंग करते हुए दिखा होगा, वो चाइल्ड एक्टर हैं। चाइल्ड एक्टर कैसे बने। चाइल्ड एक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई करना, आपको दोनों को करना होता है। कई बच्चे एक्टर बनने की चाहत में स्कूल ही नहीं जाते हैं। चाइल्ड एक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी है अपने माता और पिता का समर्थन पाना। अगर आपके माता और पिता आपके बात से सहमत हैं तो ही आप एक्टर बनने की दिशा में नया कदम बढ़ाए। अपने माँ बाप को मानने का सीधा सा रास्ता है, आपको स्कूल में होने वाले परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना होगा, क्योंकि माता पिताजी बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंता करते हैं, उनको एक्टिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। इसीलिए अगर आप स्कूल के परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे तभी आपको दूसरे कामों में समर्थन देंगे। आप जो भी वीडियो और फोटो कास्टिंग डायरेक्टर को भेजेंगे या उससे बात करते हैं, सबसे पहले आपको अपने माता पिता को जरूर बताएं और उनसे इसके बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि अभी आप ऐसे उम्र में हैं कि कोई आपको गलत भी बोलेगा तो आपको सही लगेगा, क्योंकि अभी आपको गलत और सही की समझ नहीं है। मैं ये बात उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो डायरेक्ट किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को SMS या ईमेल कर देते हैं। आप अपने माता पिता से इज्जत लेने के बाद ही फोटोज और वीडियो भेजें। अगर आपको किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से बात करनी है तो आप उस कास्टिंग डायरेक्टर को अपने माता पिता से जरूर बात कराए। ऑडिशन हमेशा अपने माता पिता के साथ ही जाएं, आपको अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपका बच्चा 3 साल से कम उम्र के हैं तो आपको सबसे पहले उसका फोटो क्लिक करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे अच्छा फोटो क्लिक करना नहीं आ रहा है तो आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से उनका फोटो क्लिक कराएं और कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग एजेंसी को भेज देने हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को सिर्फ उनके लुक के आधार पर काम मिलता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को कोई सा भी डायलॉग नहीं बोलना पड़ता है। अब बात करेंगे 3 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में जो बोल सकते हैं और उनको डायलॉग बोलना पड़ता है। ऐसे बच्चों का चयन उनके लुक और के आधार पर किया जाता है, इसीलिए आप अपने बच्चा को अभिनय सिखाएं। अभिनय सीखने के लिए आप उसे थिएटर ज्वाइन करवा सकते हैं, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करवा सकते हैं या आप उसे घर से ही ऑनलाइन एक्टिंग क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं। चाइल्ड एक्टर बनने के लिए क्या करना होगा। अगर आपने एक्टिंग करना सीख लिया है और आपको अब टेलीविजन या फिल्म में काम करना है तो आपको ऑडिशन देने होते हैं। ऑडिशन क्या है, आसान भाषा में समझे तो ऑडिशन एक प्रकार का इंटरव्यू प्रोसेस है। ऑडिशन में सेलेक्ट होने के बाद ही आपको किसी फिल्म में लिया जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर आपका ऑडिशन लेते हैं, इसमें उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके लुक, हाइट, वजन, कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दिखा जाता है। ऑडिशन 2 तरीके से होते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन और स्टूडियो में जाकर ऑडिशन। ऑनलाइन ऑडिशन में आपको अपना डायलॉग मोबाइल से शूट करके कास्टिंग डायरेक्टर को भेजने होते हैं, और अगर आप स्टूडियो में जाकर ऑडिशन देना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें आपके डायलॉग का शूट स्टूडियो के कैमरा से किया जाता है। ऑडिशन का प्रोसेस क्या होता है टेलीविजन और फिल्म में अभिनय करने के लिए। सबसे पहले आपको कैमरा के सामने खड़ा होना पड़ता है और बगल में कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं जो आपको कुछ सवाल पूछते हैं। अब आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देने होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इसमें आपको अपने बारे में बताना होता है। कास्टिंग डायरेक्टर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके अंदर उन क्वालिटी को ढूंढते हैं। अगर आप में उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर क्वालिटी होगी तो आपका चयन किया जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर आपको स्क्रिप्ट भी देते हैं, आपको स्क्रिप्ट पर लिखे डायलॉग को अच्छे बिना अटके बोलना होता है। ऑडिशन लुक टेस्ट है और स्क्रीन टेस्ट है। ऑडिशन देने के बाद क्या होता है। ऑडिशन देने के बाद आपको बस इंतजार करना पड़ता है कि आप ऑडिशन में सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं, जिस रोल के लिए आपका ऑडिशन लिया गया था। अगर आप में उन क्वालिटी को बाकी लोगों से ज्यादा पाया जाता है तो आपका चयन हो जाता है। इसलिए आप जब भी ऑडिशन करने जाएंगे तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके ही आएं। ऑडिशन कहाँ पर होता है। आमतौर पर ऑडिशन स्टूडियो में होता है या प्रोडक्शन हाउस में होता है। आपको मूवीज और टेलीविजन से जुड़े सोशल मीडिया को फॉलो करना होगा, वहां पर आपको जगह और तारीख सब पता चल जाएगा। और लगातार हमारा भी ग्रुप जो है वह ऑडिशन अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता है। आप हमारे चैनल पर आकर विजिट कर सकते हैं, वीडियोस भी आते हैं और बाकायदा हम पोस्ट भी शेयर करते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरह से चाइल्ड एक्टर जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है और हर बार की तरह इस बार भी कि आप हमारे इन वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है या फिर कोई अन्य जानकारी आपको फिल्मों से संबंधित चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाकर लेकर आएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी नया वीडियो लेकर आएंगे वह आपको YouTube पर नोटिफिकेशन के साथ आपके बेल आइकन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको मिलते रहेंगे।